अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी नंबर के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद वकास आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू रोड सिटी इस्लामाबाद की साइड पे मौजूद हूँ और एनओसी की बात अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है। हॉस्पिटल के लिए जितने भी आपके एम्बुलेंस वो आ चुकी हैं, अभी यहाँ से 3 निकली है जो ब्लू क्लिनिक उधर जा चुकी हैं। वो राइट साइड पर दिखाएँ ज़रा, सिक्योरिटी की गाड़ी, पुलिस वालों की गाड़ी इधर काफ़ी कष्ट कर रही है। अभी एनओसी की बात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है ब्लू रोड सिटी को। एंट्रेंस ज़रा दिखाएँ, एंट्रेंस वो खूबसूरत जैसे होता है ना बैरियर टाउन डीएचए में आप इंटर होते थे, एम टैग वगैरह के थ्रू भी आप इंटर होंगे। ब्लू रोड सिटी के ऑफिशियल टैग्स आप गाड़ी पे लगाएंगे। एंट्रेंस दिखाएँ, ये देखें, यानी मैं आपको क्या क्या चीज़ें दिखाऊँ इस शॉर्ट टाइम में। कहने का मकसद ये कि एनओसी के बाद काफ़ी यानी आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, काफ़ी जोर हो चुका है। ये जगह दिखाएँ, इस एंट्रेंस की भी काफ़ी काम हो रहा है, गाड़ियाँ आगे पीछे सब काम शाम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे काफ़ी खुशी भी है, वो सामने दिखाएँ ब्लू क्लिनिक अगर नज़र आ रहा है कैमरे में, वो सामने इसके ब्लू क्लिनिक है। और ये जो एंट्रेंस में इन्होंने एम टैग वाला सिस्टम किया है इसमें काफ़ी खुशी हुई है। आप यहाँ की जो रिहायशी होंगे वो गाड़ी पे एम टैग लगाएंगे तो ये खुद ऊपर हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ दिनों में ये भी ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, एंट्रेंस पे काफ़ी काम हो रहा है। तो ये वो वाहिद सेक्टर है, वो वाहिद सोसाइटी है जो बहुत ही कम कीमत पर आपको बड़ा ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ दे रही है। इसमें हमारे पास वाटर फ्रंट ब्लॉक है जी, बड़ा खूबसूरत ब्लॉक है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक है, जनरल ब्लॉक है, जो ब्लॉक आपको पसंद है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10% डाउन पेमेंट है, कोई प्रॉफिट इस वक्त फ्रेश बुकिंग पर नहीं है, पुरानी बुकिंग पे 4-4, 5-5 लाख प्रॉफिट है। आज आप बुकिंग करके 2022 में अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एनओसी के बाद 2022 ब्लू रोड सिटी के लिए बड़ा गोल्डन ईयर होने बनने जा रहा है। तो मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप तक करें। इस खूबसूरत सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी नामक इंतखाब करें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।